नमस्कार दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और वक्त हो चुका है आज की पांच के पंच का। तो शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। मणिपुर में जिन दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था उनमें से एक के पति आर्मी में सूबेदार थे। उनका कहना है कि मैंने करगिल युद्ध में देश को दुश्मनों से बचाया, लेकिन दंगाइयों से अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सातवें रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। देश में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 44 जगहों पर इसका आयोजन होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया कि सिग्नलिंग में गड़बड़ी की वजह से ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने हादसे की जांच पूरी कर ली है। जांच में पता चला है कि हादसे से कुछ दिनों पहले नॉर्थ सिग्नल यानी कि गुमती स्टेशन पर सिग्नलिंग सर्किट में बदलाव हुआ था। एशियन गेम्स के ट्रायल में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को छूट देने के खिलाफ दायर याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुनाएगी। रेसलर अंतिम पंघाल और सुचित कलकल की याचिका पर शुक्रवार को फिर दूसरे दिन सुनवाई हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। कश्मीरी आतंकी यासिन मलिक शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट में उसे देखकर जज नाराज हो गए। जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था जिसमें कहा गया हो कि उसे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है। इसके मामले में वर्चुअली सुनवाई होगी।